गाइस कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रणव, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज एक और गेमिंग वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँ। गेमिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन कहूँगा कि गेमिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। सो गाइस मैंने सुना कि बहुत से मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों के पास में एक पीसी तो है, एक मैं कहूँ पोटैटो पीसी है, या फिर कहूँ एक डिब्बा पीसी है, या फिर कहूँ एक ऐसा पीसी है जिसको वो लोग धक्के मार मार के चलाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका पीसी कुछ इस तरीके से दिखे। अब वो लोग चाहते हैं कि उनका पीसी कुछ ऐसा दिखे। यस, तो गाइस आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो कि ऐसा चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा पीसी है जो कि गेमिंग पीसी तो नहीं है, बट आप लोग उसे गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो। सो गाइस आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं और स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए अब पहले बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। गाइस अगर आप लोगों के पास ना 2GB रैम है तो गाइस आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। 2GB रैम और 4GB रैम वालों को ही सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि अपने पीसी को कैसे कन्वर्ट करना है, बाकी जो 8GB रैम वाले होते हैं वो तो बहुत बढ़िया रहते हैं। और अगर आप लोग 1GB रैम वाले हो ना तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको मैं एंड में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए अब गाइस बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको करना है, आपको अपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी में चले जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कर देना है और सिस्टम पे क्लिक करने के बाद में आपका देखिए पूरा याद दिख जाएगा आपके पास कितनी रैम है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, देखिए गाइस यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ सेटिंग्स पे आ जाना है। एडवांस के जो कॉलम है वहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है और इसके बाद आपको अपने पीसी को एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेट कर देना। मतलब अगर आप लोग इसे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेट नहीं करोगे ना तो आपका मतलब गेम जो है उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है। अगर आप लोग पहली बार सेव कर रहे हो तो अप्लाई कर देना, वरना आप लोगों ने अगर पहले कर रखा है तो वापस से आप लोग ओके ही रख सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद में आपको वापस नहीं जाना है, यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो ये वर्चुअल मेमोरी है ना, वर्चुअल मेमोरी को अब यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद आपके पास मतलब जितनी भी रैम है ना, अगर आप लोगों के पास मान लीजिए 2GB रैम है तो आप लोग कर सकते हो 2x1024 क्योंकि जो है यहाँ पे MB में चलता है सारा हिसाब किताब। और मैं यहाँ अगर आप लोग 4GB रैम वाले हो तो मेरी तरह बिल्कुल रख लेना, अगर आप लोगों का 4GB रैम है ना तो यहाँ पे रख लेना। और अगर आप लोगों के पास 2GB रैम है तो आप लोग गूगल कर लेना, गूगल आपको बता देगा, क्योंकि मेरे को 2GB रैम का उतना अच्छा आइडिया भी है नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको सेट कर लेना, ओके कर देना, यहाँ से ओके कर दो क्योंकि मेरा सब पहले से है। और अगर आपको ये बोलेगा कि आपको अपना पीसी रीस्टार्ट करना है तो आप लोग अपना पीसी बिना किसी झिझक के रीस्टार्ट करना, उसके बाद आपकी जो ये सेटिंग्स है वो टेक प्लेस कर लेंगी। अब गाइस आपने अपना पहला काम कर लिया है, अब आपको ये करना है, अब आपको अपने जो है पीसी की सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये गेमिंग में आ जाना है। तो हम गेमिंग में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए रिकॉर्ड गेम क्लिप स्क्रीनशॉट एंड ब्रॉडकास्टिंग गेमर, आपको इसको कर देना है ऑफ। ठीक है, सिंपली ऑफ कर देना है क्योंकि अगर आप लोग इसे ऑन रखते हो ना तो ये आपकी रैम पे थोड़ा ज़्यादा लोड डालता है जो कि आपके रैम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और आपकी गेम सही से चलेंगे नहीं। तो आपको यहाँ पे इसे ऑफ कर देना है और इसके बाद आपको गेम मोड में आना है और इसे ऑन रखना है। ठीक है, गेम मोड ऑन रखना है, गेम मोड ऑन रखना है। जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो, वैन गेम मोड इज ऑन विंडोज ऑप्टिमाइज़ और पीसी फॉर प्ले, मतलब अगर आप लोग गेम मोड ऑन रख रहे हो तो आप लोगों में ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो। अब गाइज आपको अपने विंडोज में जो है वो रन की ओपन कर लेनी है। ठीक है, और अभी आपको यहाँ पे टाइप करना है services.msc। ठीक है, इसके यहाँ पे टाइप कर लिया हमने। अब गाइज ये आपका जो पीसी का है वो डायग्नोस पूरा खोल देगा, अगर ये तो मिनट लेता है खोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, खुल जाएगा आराम से, आपके पीसी के लिए अच्छा है अगर ये टाइम ले रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों पीसी को ज़्यादा ही फास्ट है तो तुरंत ही खुल जाएगा, तो देखिए मेरा थोड़ा टाइम लिया है इसने। अब कैसे तो खुलने देना है, बड़ा आराम से खुलने देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करनी है जिसका नाम है डायग्नोस्टिक होस्ट सर्विस। ठीक है, सर्विस होस्ट ऐसे हुआ, हाँ ये रहा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको डिसेबल करना है और डिसेबल करने के बाद में इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे SYS मेन या फिर सुपर फैच को देखना है। ठीक है, यहाँ पे SYS मेन या फिर सुपर फैच को देखना है, नीचे जाएंगे हम लोग। ठीक है, नीचे जाएंगे SYS मेन या फिर सुपर फैच। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखते हैं मालूम कुछ है कि नहीं। हाँ ये रहा SYS मेन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसके साथ भी सेम वही करना है, आपको इसे डिसेबल करके स्टॉप कर देना है। ठीक है गाइस, तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, इसमें आपको क्या करना है।
अब आपको क्या करना है, इसी मतलब इसी विंडो में आपको एक और काम करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइज आपको अपने जो है विंडोज अपडेट को देखना है, ठीक है, विंडोज अपडेट मिलेगा आपको यहाँ पे, विंडोज अपडेट मिलेगा, ये रहा, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इसको आपको डिसेबल कर देना है और स्टॉप कर देना है, ठीक है, अब ओके कर देना है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, मतलब आपके पीसी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब गाइस आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आपको एक बार फिर से जो है वो विंडोज़ की रन की खोल लेनी है और यहाँ पे msconfig डालना है, msconfig और एंटर दबा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्टिव स्टार्टअप सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्टिव स्टार्टअप सेलेक्ट करना है गाइस आपको, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे सेलेक्टिव स्टार्टअप्स है जो कि आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको इसी विंडोज़ में सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस करके इन सभी सर्विसेज को डिसेबल ऑल कर देना है। ये वो सारी सर्विसेज जो आपके मतलब मैं कहूँ उसमें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं जो कि आपके पीसी को स्लो कर देती हैं, तो फिर आपके गेम जो चल नहीं पाते, डिसेबल ऑल करके अप्लाई कर देना और फिर ओके कर देना। अगर आप लोगों के मैं रीस्टार्ट मांगेगा तो प्लीज़ इसको रीस्टार्ट ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो गाइस अब आपको एक बार फिर से अपनी विंडोज़ की खोल मतलब रन की खोल लेनी है विंडोज़ की, और अब आपको यहाँ पर टाइप करना है रेजेडिट, ठीक है, रेजेडिट टाइप करना है और रजिस्ट्री एडिटर पे आपको यहाँ पे यस कर देना है अगर आपसे पूछेगा। अब आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कोई जल्दीबाजी वाले काम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक यूज कर देते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अब आपको यहाँ पे ऐप की करंट यूज़र वाले जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम में आ जाना है और सिस्टम में आने के बाद गेम कॉन्फिग स्टोर पे आ जाना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में आपको गेम कॉन्फिग वाले को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने में आपको यहाँ पे जो है गेम डीवीआर जो इनेबल बता रहा है ना, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो जीरो में रखनी है, हेक्साडेसिमल और जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये सिंपली ओके कर देना है। फिर आपको गाइस इसके ऊपर जो है गेम डीवीआर ईएफएसईएफ दिखा रहा है ना, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो इसकी मतलब वैल्यू है ये भी जीरो रखनी है और इसे भी हेक्साडेसिमल में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ईएफएस यहाँ पे वो दिखाएगा, ईएफएस बिहेवियर मोड, ठीक है, बिहेवियर मोड दिखाएगा और यहाँ पे आपको इस वैल्यू जो है टू रखनी है और यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू में ही रखना है, ठीक है। तो ये था आपको, मैंने जो गेम कॉन्फिगरेशन स्टोर है वहाँ का मैंने आपको सेटिंग बता दी है। फिर गाइस अब आपको एक डायरेक्टरी खोल लेनी है, ये यहाँ पे मैं पहले इसको बंद कर दूंगा जरा वरना फिर उधर मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच की लोकल मशीन खोल लेनी है, लोकल मशीन वाला, और उसके बाद यहाँ पे हमें आ जाना है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का बहुत लंबा जोड़ा खुल जाएगा तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना है जो कि थोड़ा नीचे ही मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है पॉलिसी मैनेजर, तो हम लोग अल्फाबेटिकल वाइज चलेंगे, पॉलिसी पी नीचे मिल जाएगा, पॉलिसी मैनेजर करके यहाँ पे मिलेगा गाइस, अभी हमें पॉलिसी मैनेजर ये रहा, ठीक है। और इसके बाद हमको डिफ़ॉल्ट में आ जाना है, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में आने के बाद हमको एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आ जाना है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऊपर ही मिल जाएगा, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये रहा, एप्लीकेशन मैनेजमेंट में हम लोग आ गए। उसके बाद हमें अलाउ गेम डीवीआर वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ क्या करना है आपको, और गाइस यहाँ पे आपको जो है ये जीपीबी ब्लॉकिंग रजिस्टर्ड वैल्यू नेम है, इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ गेम डीवीआर है ओके, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्री की पाथ पे क्लिक कर देना है, इसे भी ओके ही रखना है, ठीक है। इसको भी आप लोग इसे मतलब ये वाला डायरेक्टरी है ना, ये सेम टू सेम डायरेक्टरी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। और इसमें भी आपको यही सेम टू सेम जो है डायरेक्टरी लग देनी है, ठीक है। अब आपको ये करना है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आप लोगों को, अगर अपने जो मतलब पीसी है उसको गेमिंग पीसी में कन्वर्ट करना है अपने पोटैटो पीसी को, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब गाइस आपको यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे आपको ये वैल्यू वाला जो है ये मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है इसको जीरो रखना है और जो इसका बेस है वो हेक्साडेसिमल ही रखना है, ध्यान रखिएगा आपको हेक्साडेसिमल ही चलाना है इसमें अभी, ठीक है। तो आपको अपनी जो अगली सेटिंग है वो भी यहीं करनी है, उसके लिए पहले मैं ऐसे बंद कर दूंगा फॉर लैकिंग ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस, जो कितनी सारी विंडोज़ खुली हुई हैं यहाँ पे। और गाइस अगर एक बार फिर बताऊंगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और चलिए गाइस हमने इसको बंद कर दिया है, अब आपको कौन सी डायरेक्टरी में आना है, एक बार फिर से एच की लोकल मशीन्स, उसके बाद आना है सॉफ्टवेयर, फिर आना है माइक्रोसॉफ्ट पे दोबारा से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एनटी सेलेक्ट कर लेना है, विंडोज एनटी, ठीक है गाइस, विंडोज 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 आ गया, विंडोज एनटी करके आ गया गाइस, विंडोज एनटी ये रहा, विंडोज एनटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करंट वर्जन पे आ जाना है, और इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। और इसके बाद आपको आ जाना है सिस्टम प्रोफाइल में, और फिर आ जाना है टास्क में, और फिर आ जाना है आपको यहाँ पे सिंपली गेम्स में। जैसी मेरी वैल्यूज पड़ी हुई आपको सेम टू सेम वैसी वैल्यूज डालनी है। बैकग्राउंड ओनली पे आपको यहाँ पे फॉल्स रहने देना है, ठीक है, फॉल्स ही रहने देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लॉक रेट पे 2710 एग्जैक्ट इनमें सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको GPU प्रायोरिटी जो है अपनी 08 रखनी है, और यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो 7 रख लेनी है, ठीक है, और ये शेड्यूलिंग कैटेगरी हाई रखनी है, और SFIO प्रायोरिटी भी हाई रख लेनी है, ठीक है गाइस, SFIO प्रायोरिटी भी हाई रख लेनी है। और इसके बाद में हमारे यहाँ पे जो है सभी सेटिंग्स जो है पूरी हो चुकी हैं, और अब हमारा पूरा का पूरा जो है विंडोज़ जो है वो तैयार है अपने गेम को जो है करने के लिए। और अगर आप लोगों को ना इससे भी अच्छा एक वो चाहिए, मैं कहूँ अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं आपको एक टिप एडवाइस करता हूँ, आप लोग ना एक एप्लीकेशन है क्विक सीपीयू करके एक एप्लीकेशन है, वो आप लोग इंस्टॉल कर लो, ठीक है, वो आपका जो पीसी है वो उसको बूस्ट करता रहेगा, उसको ऑप्टिमाइज करता रहेगा। सो होप हमारे सारे जो लो एंड पीसी वाले बंदे हैं उनको ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई तो प्लीज वीडियो को अच्छा सा लाइक दे देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ठीक है, और होप आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।